गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। बेटे कल एपी के बारे में बता दिया था पूरा, है ना। आज इसके कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, फिर जीपी स्टार्ट करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, इफ वन एक्स एन माइनस सेवन आर एन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये तीनों टर्म किसमें, ए पी में है। तो ए पी के लिए बताया भी था कल वैसे भी कि क्या होता है, टी टू माइनस टी वन इक्वल होता है टी थ्री माइनस टी टू। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के सेवन माइनस एक्स। एक्स को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे तो माइनस सेवन प्लस कितना हो गया वन, तो टू एक्स इक्वल टू माइनस के सिक्स, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है, उसको भी लेते हैं, आप कर सकते हो इसे। इफ टू एक्स एन माइनस माइनस एट इन ए पी, टू एक्स एन माइनस एट सिंपल हो जाएगा इसी टाइप से। ठीक है, आर इन ए पी, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं किसी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, नाइन फाइव वन माइनस थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड 20th टर्म इसका फाइंड करना है। ठीक है, पहले चेक करना है कि ए पी है, जी पी है, एच पी है। वैसे जब ए पी से चल रहा है तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे 4 का है, 4 का है, माइनस 4 का है, माइनस 4 है, माइनस 4 चला है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, माइनस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, माइनस के 4 का है। तो सीरीज़ क्या ए पी में है, तो फर्स्ट टर्म कितना गया, ए इज़ इक्वल टू गया हमारे पास 9। ठीक है, डिफरेंस कितना चल रहा है, माइनस के 4, और एन कितना फाइंड करना है, 20 फाइंड करना है। ठीक है, तो टी 20 हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 19 डी। ठीक है, ए कितना हमारे पास 9 है, ए कितना हो जाएगा 9 प्लस 19 इंटू किस में आएगा, माइनस में आएगा, कितना हो गया 76। माइनस करो तो नेगेटिव आएगा, कितना, माइनस के 67। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम यही है, इसका 12th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा है, 147 एंड सो ऑन 10 एंड सो ऑन, फाइंड इट्स 12th टर्म, फाइन 12th टर्म। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में है 5, 7, 9, 11। ठीक है, विच टर्म ऑफ ए पी 5, 9, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन इज 27। ठीक है, अब इसमें देखना कि कौन सा टर्म इसमें 27 आएगा। तो सबसे पहले ए कितना, डिफरेंस कितना चल रहा बेटा यहाँ पे, 2 का है, 2 का है, प्लस 2 चल रहा है, डिफरेंस 2 हो गया। ठीक है, कौन सा टर्म होगा, हमने कहा लास्ट टर्म इसका 27 है, कहीं पे तो रुकेगा, या अनदर टर्म ले लो या लास्ट टर्म लिख लिया। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 5 है, डिफरेंस कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। फॉर्मूला बताया था, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 27। ए कितना हमारे पास 5 है, प्लस एन माइनस वन, एन हमें फाइंड करना, इंटू डिफरेंस कितना चल रहा है, 2 का। इसको उधर लेके आगे कितना बचेगा, 22। ठीक है, एन माइनस वन इंटू कितना गया, 2 हो जाएगा। इसको इधर लेके आ गए तो कितना गया, 20। यहाँ पे हो जाएगा कितना, एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 21। ठीक है, अब इसका
जब भी n फाइंड करने को कहेगा तो हमें एक फॉर्मूला से डायरेक्ट याद रखना है, n इज इक्वल टू होता है l माइनस a अपॉन डिफरेंस प्लस वन, टू मल्टीप्लाई में है ना, टू से डिवाइड कर दिया 22 को, और थोड़ा सा एक मिनट है माइनस यहाँ पे, हाँ मिस्टेक होगी, टू से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 11, और इसको इधर लेके आया तो कितना गया यहाँ पे 12 हो जाएगा। चलो अब ठीक है ना, टू से डिवाइड करना है ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 12 टर्म हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कि एन इज इक्वल टू होता है एल माइनस कितना गया ए अपॉन डी प्लस वन करना है। लास्ट टर्म कितना माना हमने इसमें 27 है, माइनस किया कितना हमारे पास है ए कितना है फर्स्ट टर्म इसमें 5 है, डिफरेंस कितना का चला बेटा 2 का डिफरेंस है, प्लस 1 करना है कितना हो जाएगा 22 अपॉन 2 प्लस 1 कितना गया 11 या हो गया 12, इसका आंसर हो गया। जब भी पूछेगा कितने टर्म्स हैं तो n फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, डिफरेंस से डिवाइड करना है, प्लस 1 इसमें 1 कर लेंगे तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका शॉर्ट में ही ऐसे कर सकते हो सर ठीक है, तो पहले से कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स टर्म एंड 12 टर्म ऑफ एन ए पी इज 13 एंड 25। सिक्स टर्म दे रखा बेटा T6 हमारे पास दे रखा और T12 है ठीक है, सिक्स टर्म इसमें है 13 और 12 है 25 ठीक है, फाइंड इट्स 20th टर्म हमें फाइंड करना है, T20 फाइंड करना है, T20 होगा a प्लस 19T, ये होता बेटा तो a प्लस 19t इसमें आ जाएगा। अब t6 क्या होता है कल भी बताया था, a प्लस 5t इज इक्वल टू 13, 12 के लिए a प्लस 11d इज इक्वल टू 25। यहाँ से a और d फाइंड करना पड़ेगा पहले ठीक है, माइनस करने पर कितना हो गया कैंसिल हो गया, माइनस का 6 आएगा और इधर कितना आया माइनस करके माइनस के 12 ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। अगर d 2 है तो इक्वेशन किस में फर्स्ट में रख लो, कितना गया यहाँ गया a प्लस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू आ गया 3। a और d दोनों फाइंड हो गए, अब हमें क्या फाइंड करना है t20 फाइंड करना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना a की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 19 इंटू 2 ठीक है कितना गया 38 प्लस 3 कितना गया t20 हमारे पास कितना गया 41 आ जाएगा। तो ये तो डिपेंड तो क्वेश्चन कौन सा एन ए टर्म पे ठीक है। अब इसका सम फाइंड करते हैं कि फाइंड द सम, जो सम वाले क्वेश्चन होंगे उनको देखते हैं। 5, 8, 11, 12, 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11 प्लस 14 ठीक है, इसका कौन सा सम ऑफ 22 टर्म्स ठीक है। अब सम फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म कितना बेटा 5 है, डिफरेंस कितने का हो गया माइनस करा तो कितना हो गया 3 का, एन कितना हो गया हमारे पास 22, तो एस एन का फॉर्मूला कल बताया था कितना एन बाई 2 ठीक है 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे या तो एल फाइंड करेंगे तो 22 जो है टर्म फाइंड करना पड़ेगा, 22 टर्म है कितना वो फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 22 डिवाइडेड बाई 2 2 ए 5 टू जा 10 ठीक है, 22 माइनस 1 कितना हो गया डिफरेंस कितने का है पॉजिटिव है 3, तो यहाँ जो 22 से डिवाइड करेंगे 22 को डिवाइड किया 2 से तो 11 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 10 या हो गया 63 प्लस 10 कितना हो गया 73, 11 3 जा 33, 77 हो गया 11, 7 जा 3 प्लस किया कितना हो गया 80 हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा 803 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइव
फाइंड द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी विथ आर एट टर्म इज आर एट टर्म इज 4R+1। फाइंड करना है एसपी, फाइंड करना है और जिसका टी आर कितना दे रखा है इसमें, टी आर प्लस वन है, एसपी खोल दिया सर। तो एसपी क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू सम ऑफ पी टर्म, ठीक है, पी टर्म को समय फाइंड करना है। अब यहाँ पे कितना पी बाय टू हो जाएगा, यहाँ पे 2A+P-1 इंटू डी, हमें आर एट टर्म दे रखा है तो टी वन निकालो, टी वन ही क्या होता है बेटा, ए होता है। जब यहाँ पे वन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा 4+1 कितना हो गया 5 हो जाएगा। टी टू फाइंड करना है तो टी टू हमारे पास हो जाएगा कितना 4 2 8+1 कितना गया 9। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हो गया दोनों का डिफरेंस कितना का गया 4 का गया, डिफरेंस कितने का 4 का है। और फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू पी बाई टू 2A, 2 इंटू ए, ए कितना हमारे पास 4 हो जाएगा, ए 5 है, और यहाँ पर प्लस पी माइनस वन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है बेटा, डिफरेंस 4 का है, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया पी बाई टू, यहाँ हो गया 10, ठीक है, प्लस 4P माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ हो गया पी डिवाइडेड बाई टू, यहाँ हो जाएगा कितना 4P प्लस कितना हो जाएगा 6, और 2 से डिवाइड किया, 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 बाहर लिया, यहाँ हो गया पी इंटू 2P प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ गया इसमें 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, या तो आंसर ये लिखा होगा या फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कितना हो गया 2P² + 3P, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो पहले इतना कॉपी कर लो आप। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज a^n + b^n / a^n-1 + b^n-1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास a, b, c और d, ठीक है, चारों ऑप्शन है, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 n-1, ठीक है, बोला a और b का अर्थमेटिक मीन कितना ये दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या होगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b कितना होता है बेटा, कल बताया था a+b/2 होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं, देखो आंसर इसमें, इसमें वैल्यू रखो, पहले ऑप्शन क्या रखो, 0 रखेंगे, और 0 रखने पर अगर ये वैल्यू फाइंड होती है तो वही हमारा आंसर है। हमने रखा है इसमें 0, तो हो गया किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ रखा 0 तो कितना हो गया प्लस के 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखो तो a^-1 + b^ कितना गया माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा ऊपर, तो हो गया इसमें 2 upon 1 upon a + 1 upon b आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है, ए बी आएगा, ए बी पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, 2ab upon क्या हो जाएगा, यहाँ पे a+b आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, तो मतलब क्या है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। फिर हमने 1/2 रखा, 1/2 रखने पर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट में आंसर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम रखते हैं 1 रखा a^1 + b^1 हो जाएगा, और 1-1 कितना हो गया 0, 0 पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1-1 कितना गया 0, 0 पे कितना गया 1, तो a+b डिवाइड में कितना गया 2, कौन से ऑप्शन पे आया सी, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है ट्वेंटी वन एटीन एंड फिफ्टीन, ये कोई एपी दे रखी है, पूछा कि कितने टर्म्स का जो सम होगा वो 0 होगा, कितने टर्म्स का सम कितना गया 0 होगा।
तो सम जीरो दे रखा है इसमें, एन फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है एसएन का, एसएन हमारे पास जीरो दे रखा है, ए कितना हमारे पास, ए हो गया, डिफरेंस चल रहा है माइनस के थ्री, ठीक है। एन फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो सकता है, फॉर्मूला क्या रहेगा, एन बाई टू यहाँ पे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। एन को अगर जीरो में ले जाते हैं हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया कितना, टू ए, टू ए मतलब ट्वेंटी वन इंटू टू कितना हो गया 42 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसको इधर लेके आया तो एन माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड होगा थ्री से कितने बार 14, वन को इधर लाओ तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या एपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी करो पहले, फिर उसके बाद जीपी स्टार्ट कर रहे हैं। अब जीपी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, और फिर जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो सब स्टार्ट करेंगे जो एपी जीपी और एचपी से रिलेटेड रहेंगे। तो पहले जीपी के बारे में समझ लो कैसे से सॉल्व किया जाएगा। ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होगा, जैसे एपी में क्या होता है डिफरेंस इक्वल होता है, वैसे क्या होता है इसमें जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा, मतलब मल्टीप्लाई करके सीरीज बनेगी है, ज्योमेट्रिक सीरीज है तो क्या होगा मल्टीप्लाई करके आएगी, ठीक है। और एपी में क्या होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन से चलता है, या डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन से सीरीज बनेगी, इक्वल रेशियो आएगा, ठीक है। हमने लिखा जैसे 2 to the 4 to the 8 to the 16 and so on 32, ठीक है ना, ऐसी कोई सीरीज चल रही है। अगर मैं क्या करता हूँ कि सेकंड को इससे डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 2 4 to the 16, क्या करना है, तो 2 to 2 का क्या है मल्टीपल डिवीजन करके कितना है जो रेशो आया वो कितना है वो यहाँ पे 2 आया। ऐसे 3 से करो 3 to the 6 to the 12 to the 48 एंड सो ऑन, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है, डिवाइड 2 2 और 2 का चल रहा है। तो जिस सीरीज में क्या होता है कि जो कॉमन रेशो होता है वहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशो आएगा, कॉमन रेशो इक्वल होगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसली टर्म्स का जो क्या होता है रेशो जो है इक्वल रहेगा, वो क्या होगा जीपी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म अगर हम ए ले लेते हैं और जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो हमने क्या लिख लिया, आर लिख लिया, जो जीपी बनेगी हर बार क्या है फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होकर चला, रेशो की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे ए आर आ जाएगा, फिर आर की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर की मल्टीप्लाई की ए आर क्यूब हो जाएगा, रेशो से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है इसमें, एंड सो ये सीरीज बनेगी। जो फर्स्ट टर्म होगा उसको टी वन लिखना है, टी वन इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया ए, टी टू कितना हो जाएगा ए आर, टी थ्री ए आर स्क्वायर, टी फोर ए आर क्यूब, ठीक है। एंड सो ये चलेगा ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है एनट टर्म ऑफ जी पी, एनट टर्म ऑफ जी पी, जी पी का एनट टर्म निकालना टी एन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, 3 पर 2 है, 2 पर 1 है, 1 पर क्या हो गया 0 हो गया। तो मतलब क्या है कि a तो सब में आएगा ही और r की पावर हमेशा इससे एक कम चलेगी, ठीक है। अगर ये लास्ट टर्म कहीं पे लिखा तो l इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो रेशो है, रेशो कैसे मिलेगा, जो r होगा हमारे पास, r की बात कर रहे हैं, वो टी टू अपॉन टी वन, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना, वहाँ क्या था एपी में सेकेंड से फर्स्ट को माइनस किया था, तो यहाँ पे क्या होगा सेकेंड को डिवाइड करना है किससे फर्स्ट से, ठीक है। फिर टी थ्री अपॉन टी टू और टी फोर अपॉन टी थ्री, ठीक है। तो इस टाइप से ये इक्वल चलेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास जी पे आ जाएगा। अब इसमें एक छोटे कंडीशन याद भी रखना है जो एपी और जीपी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे मिक्स होके आएंगे तो फिर दिक्कत आती है उसमें, ठीक है। इफ ए पी सी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में आते हैं कौन से ए बी सी, तो ए पी में होंगे तो क्या बताता है सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, तो इसको लर्न करना आपको कि इधर लिया हो इसे तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। जो बीच में जो मिडिल टर्म होगा उसका डबल कर लेंगे, जो एक्सटीरियर टर्म्स हैं उनका सम कर लेंगे तो वो इक्वल ही आता है। ये तो ए पी कंडीशन होगी,
इसी टाइप से आएगा इफ ए बी सी आर इन जीपी। तो जीपी में मैंने बताया कि टी टू अपॉन कितना होता है टी वन, इक्वल होता है टी थ्री अपॉन टी टू। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास कितना है बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, जब ए पी में होगा ए बी सी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और जब ये क्या होगा ये जी पी में होगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या इसका एनाटम हमने फाइंड कर लिया, लास्ट टर्म हमारे पास हो गया। अब सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी। अब एंड टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, एस एन हो जाएगा हमारे पास कितना ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है कि इसमें आर ग्रेटर देन होगा किससे, वन से, और एस एन का सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। यहाँ पे आर की वैल्यू होगी किससे, एक से कम होगी। ठीक है, वन बाई टू लिखेंगे तो वन से कम ही है, या फिर नेगेटिव में तो वन से कम ही रहेगा। ठीक है, तो अब थर्ड इसमें आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इनफाइनाइट टर्म्स हमें सम फाइंड करना है कि असइनफिनिटी फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, कोई भी जीपी बन रही है उसके इनफाइनाइट टर्म्स का हमें सम फाइंड करना, तो असइनफिनिटी हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये तो हो गया इसके सम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू क्वांटिटीज, कौन सा ए एंड बी। ठीक है, तो अगर वो जी है तो ए जी और बी आर इन जी पी। ठीक है, तो यह हो जाएगा अगर ये जीपी में है तो सेकंड मैंने बताया था कि बीच वाले क्या करना है स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है ना, तो जी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा ए बी के, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा ए बी आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है एंड ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बिटवीन ए एंड। अब इनके बीच में हमने एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म रखे, तो ए जी वन जी टू जी थ्री और जी एन, और लास्ट में कितना जगह मेरे पास यहाँ पे बी। ये किस में हो जाएगा जीपी में, आर इन जीपी, जीपी में आ जाएगा। अब जीपी में होगा तो फर्स्ट टर्म कितना रहेगा, फर्स्ट टर्म इसमें ए इज इक्वल टू ए रहेगा, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे बी हो जाएगा। और नंबर्स ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर्स ऑफ टर्म्स हमने एन रखे हैं और दो हमें पहले से दे रखे हैं, ये और भी तो दे रखे हैं ना, और एन हमने इसमें रखे हैं, तो यहाँ पे कितना क्या यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस टू। क्या फॉर्मूला बताया, एल इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, यही था। अब आर इसमें गिवन नहीं, तो आर हमें फाइंड करना है सबसे पहले, तो एल कितना है हमारे पास, एल हमारे पास है बी इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस टू माइनस वन, ये डिवाइड में आ जाएगा आर टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना बी अपॉन ए, जो इसका कॉमन रेशियो होगा, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, आर इज इक्वल टू यहाँ से ये पावर हटेगी तो उसमें क्या होगा राइट हैंड साइड में जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ से आर फाइंड करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, जी वन निकाल सकते हैं, तो जी वन क्या हो जाएगा, जी वन इज इक्वल टू क्या ए आर, G2 क्या हो जाएगा G2 AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब। ठीक है ना, AR क्यूब। तो इस टाइप से ये आगे जो भी टर्म पूछा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इतना कॉपी करो पहले इसमें, फिर आगे करते हैं। इसके अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस टू x एंड x प्लस थ्री आर इन जी पी फाइंड x। तो क्या x ही वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है क्या, हम सेकेंड को डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट से,
वो इक्वल आएगा, थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ये तो क्या प्लस के थ्री एक्स, ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस के सिक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स बचेगा, तो एक्स इधर ले आओगे तो एक्स इक्वल टू कितना देगा सिक्स हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, फर्स्ट तो स्टेप से कर लें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में इसका सेवन टर्म फाइंड करना है, अब ये ए पी है जी पी है चेक करना है पहले, अगर प्लस करके तो नहीं बन रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करके बन रहा है कितना, थ्री से मल्टीप्लाई फिर थ्री से मल्टीप्लाई, तो ए तो इसमें कितना हो जाएगा फोर हो गया, फोर ट्वेल्व एंड थर्टी सिक्स है, ठीक है ना, तो डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो कितना हो गया इसमें थ्री हो जाएगा। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, टी सेवन फाइंड करना है, तो ए इंटू आर टू दी पावर सिक्स हो जाएगा, ए कम होगा, तो यहाँ पे कितना गया ए कितना मेरे पास फोर है गया, और यहाँ पे थ्री टू पावर सिक्स, ठीक है, तो इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना, अगर बहुत ऑप्शन है, अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो इसको खोल के मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में है फिफ्थ टर्म ऑफ जी पी, टी फाइव कितना एटी है, टी फाइव कितना देखा बेटा एटी है, तो मतलब ए इंटू आर टू दी पावर फोर इज इक्वल टू एटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कितना टी एट, टी एट इसका कितना सिक्स फोर्टी है, तो मतलब ए इंटू आर टू दी पावर कितना गया सेवन इज इक्वल टू सिक्स फोर जीरो। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन ये है, इसको फर्स्ट लिख लो इसको सेकंड लिख लो, तो डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर सेवन अपॉन ए इंटू आर टू दी पावर फोर इज इक्वल टू सिक्स फोर जीरो अपॉन कितने के एट जीरो, इससे कैंसिल हो गया, इससे कितना टाइम्स हो गया एट टाइम्स, यह हो जाएगा आर टू दी पावर कितना गया थ्री इज इक्वल टू एट, एट किसका क्यूब है बेटा टू का, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे टू। अब हमें जी पी फाइंड करना है, फाइंड जी पी, तो आर हमारे पास आ गया, तो ए फाइंड करने के लिए कहाँ वैल्यू रखोगे, क्वेश्चन फर्स्ट में रखो, तो फर्स्ट में रखा तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर फोर इज इक्वल टू एटीन, क्योंकि पावर फोर का मतलब सिक्सटीन होता है, और सिक्सटीन से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जी पी क्या होती है ए आर, पहले ए फिर ए आर, आर कितना टू है, टू से मल्टीप्लाई कर दो टेन ट्वेंटी फोर्टी एंड सो ऑन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड सम ऑफ सीरीज, हमारे पास कहाँ था इनफाइनाइट वाली सीरीज आ गई, तो इनफाइनाइट के लिए एस इन्फिनिटी बताया था ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, ए कितना बेटा इसमें वन बाई थ्री है, अच्छा वन से तो वन है, आर कितना है वन बाई थ्री, वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई हो रही है बराबर, ठीक है, तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा, ए की जगह वन रखेंगे वन माइनस वन अपॉन थ्री, एलसीएम लो इसका कितना हो गया थ्री, तो आ जाएगा ऊपर पलट के, और यहाँ गया थ्री माइनस वन कितना हो गया थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू ही क्या होगा एस इन्फिनिटी फाइंड हो जाएगा जी पी का, तो इतना कॉपी करना है इसमें, और बाकी जो एच पी रहेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है।